आज की इस वीडियो में होंगे कुछ ऐसे गैजेट जिनका इस्तेमाल आप अपने डेली लाइफ रूटीन में कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। नंबर 10, शार्क कार्स फॉर किड्स। बच्चों की खेलने वाली कार्स तो आपने जरूर से देखी होगी और हो सकता है बचपन में आपने भी कभी न कभी ऐसी कार की ख्वाहिश की हो। लेकिन बचपन में अगर आपकी ये विश पूरी नहीं हुई तो आप अपने बच्चों को इस तरीके का गिफ्ट जरूर से दे सकते हैं। दोस्तों, ये एक तरीके की टॉय कार होती है जिसमें कि बच्चे बैठकर आसानी से घूम के मजे कर पाएंगे। इसे रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जा सकता है और इसमें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इसके व्हील्स होते हैं, क्योंकि नॉर्मली अगर किसी भी कार की बात करी जाए या फिर किसी भी व्हीकल की बात करी जाए तो उसमें गोल ही पहिए होते हैं। लेकिन इसमें आपको एक अलग टाइप के जिगजैग व्हील देखने को मिल जाएंगे जिनकी डिजाइन काफी यूनिक रहती है और हो सकता है आपने ऐसे पहले व्हील्स देखे भी ना हो। दरअसल इस कार में आपको इस तरीके की व्हील्स इसलिए दिए होते हैं कि जब भी आप इसमें ब्रेक मारते हैं तो कार आपकी तुरंत स्टॉप हो जाती है, यानी कि वो हल्की सी भी ड्रैग नहीं होती, जो कि बच्चों की सेफ्टी के लिए काफी जरूरी होता है। तो दोस्तों, इसे खास तौर पर बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जो कि देखने में भी काफी यूनिक सी कार लगती है। नंबर 9, स्टैनले मोबिलिटी स्टेयर क्लाइंबर। जो लोग फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं वो व्हीलचेयर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसी जिंदगी काफी मुश्किल हो जाती है क्योंकि व्हीलचेयर से आप आगे पीछे तो आ जा सकते हैं लेकिन स्टेयर्स चढ़ना व्हीलचेयर से लगभग इम्पॉसिबल होता है। लेकिन दोस्तों, टेक्नोलॉजी की मदद से सब कुछ पॉसिबल हो जाता है और ये चेयर भी उसी का एग्जाम्पल है। दोस्तों, ये एक तरीके की ऐसी व्हीलचेयर होती है जहां पर व्हील्स को ट्रायंगल के फॉर्म में लगाया जाता है, जिसकी मदद से स्टेयर्स पर चढ़ना उतरना बड़ा ही आसान रहेगा। इसकी स्पेशलाइज्ड डिजाइन इसे काफी अलग बनाती है किसी भी व्हीलचेयर से, जिससे कि आप सीढ़ियां चढ़ उतर बड़ी आसानी से सकते हैं। तो कमेंट करके बताएगा कि इस तरीके की व्हीलचेयर आपको कैसी लगी। नंबर 8, इको हार्वेस्टर। आपने बड़ी बड़ी नदियों में देखा होगा कि किस तरीके से उसके ऊपरी सतह पर काफी कुछ गंदगी इकट्ठा हो जाती है, फिर वो छोटी छोटी वनस्पतियां भी होती हैं और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिनकी समय समय पर सफाई बहुत जरूरी होती है। जहां पर जरूरत होती है इस तरीके के गैजेट की, जो कि नदियों के पानी को साफ करने में काफी हेल्पफुल रहता है। दोस्तों, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि पानी में आसानी से तैर सकता है और इसके आगे की तरफ एक ड्रम जैसा शेप लगा होता है जिसमें कि फिल्टर्स लगे होते हैं। ये फिल्टर्स आसानी से पानी को छान देते हैं और पीछे की तरफ से रिलीज करते हैं और पानी से निकलने वाली सारी गंदगी पीछे बने हुए एक कलेक्शन बॉक्स में कलेक्ट होती रहती है, जिसे कि बाद में डिस्पोज किया जा सकता है। तो इस तरीके से नदियों के पानी को आसानी से साफ किया जा सकता है, वो भी बहुत ही तेजी के साथ। तो इस तरीके के गैजेट की जरूरत मुझे लगता है इंडिया में बहुत सारी नदियों को है, और कमेंट करके बताएगा कि आपको ये टेक्नोलॉजी कैसी लगी। नंबर 7, रॉकेट एयर एयर ग्लासेस। वर्चुअल रियलिटी के बाद अब जमाना आ गया है आर्ग्यूमेंटेड रियलिटी का, जो कि आपको एकदम अलग ही दुनिया में ले जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एआर टेक्नोलॉजी एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है जो कि गैजेट्स को इस्तेमाल करने के तरीकों में काफी बदलाव लाएगी। अभी तक आप अपने गैजेट्स को हाथों से ऑपरेट करते आए हैं, लेकिन बहुत जल्द ऐसा समय आने वाला है जब आप अपने गैजेट्स को अपनी आंखों के इशारों से कंट्रोल कर पाएंगे। बस आपको पहनने होंगे एआर ग्लासेस, जो कि दिखने में एक नॉर्मल ग्लासेस जैसे ही लगते हैं, लेकिन जब आप इन्हें लगा लेते हैं तो आपको अपने सामने एक अलग ही दुनिया नजर आएगी, जहां पर आप अपने गैजेट्स स्क्रीन देख सकते हैं एकदम सामने। साथ ही आप काफी सारे ऑप्शंस को सिलेक्ट करके इस्तेमाल भी कर सकते हैं और गेमिंग वगैरह को एंजॉय करने का भी तरीका इसमें काफी अलग होने वाला है, जिसमें कि आप ठीक वैसा फील करेंगे जैसे कि आपके सामने गेम एकदम चल रहा है। और यही नहीं दोस्तों, इसमें आपको काफी कमाल की साउंड भी मिल जाती है, जिससे कि आप 3D में फील कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, ये YouTube, Netflix जैसे बहुत सारे एप्स का सपोर्ट भी देता है, जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपनी डेली यूजेस में। और अगर आप चाहें तो वीडियो कॉल वगैरह के भी ऑप्शन मिल जाते हैं आपको इस एयर ग्लासेस में, जो कि अपने आप में वाकई एक नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी है। तो कमेंट करके बताएगा कि आपको इस तरीके की टेक्नोलॉजी कैसी लगी। नंबर 6, ऑटोबॉक शोल्डर। अगर आप अचानक कोई भारी चीज और सामान उठा लेते हैं तो आपने फील किया होगा कि अचानक आपकी मसल्स में खिंचाव आ जाता है, जिसकी वजह से हो सकता है एक दो दिन पेन भी होता हो। ये चीज अक्सर लोगों के साथ देखी जाती है जो कि हैवी सामान उठाते हैं, और खास तौर पर जो वर्कर्स और मैकेनिक्स होते हैं उनकी तो डेली लाइफ रूटीन का हिस्सा ही होता है ये सब काम करना। तो उनके लिए इस तरीके का गैजेट बेहद कमाल का रहेगा, जिसका इस्तेमाल वो एक सपोर्ट सिस्टम के तौर पर कर सकते हैं। ये एक तरीके का ऐसा गैजेट होता है जो कि बॉडी में वेट डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। जब भी आप किसी भारी चीज और सामान को उठाएंगे या फिर कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें कि मांसपेशियों में खिंचाव आए, तो ये फटाफट वेट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है पूरी बॉडी में। और इसमें लगे हाइड्रोलिक्स आपको एक सपोर्ट भी देते हैं, जिससे कि आप किसी काम को बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। तो ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं इस तरीके के सपोर्ट सिस्टम में, जो कि खासतौर पर उन वर्कर्स के लिए बनाया गया है जो कि बहुत सारा मेहनत का काम करते हैं दिन में। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी वाकई काफी हेल्पफुल होने वाली है ऐसे लोगों के लिए। नंबर 5, वे स्मार्ट पावर डोर।
ऑटोमेटिक डोर्स और मोशन सेंसिंग डोर्स आपने यकीनन देखे होंगे, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि कभी कभी सेंसर के खराब हो जाने पर वो अपने आप ओपन एंड क्लोज होते रहते हैं, जो कि कहीं न कहीं आपके डोर को खराब कर देते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा डोर दिखाने वाला हूं जो कि ऑटोमेटेड तो रहेगा, लेकिन इसे आप अपने जेस्चर से ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। इसमें दो मोशन सेंसर होते हैं जो कि गेट के दोनों ओर लगे रहेंगे, और साथ ही एक कंट्रोलर रहता है जहां पर आपको एक छोटी सी डिस्प्ले में ओपन एंड क्लोज का मैसेज भी दिखेगा। और जब भी दोस्तों आप अपने हाथों से एक जेस्चर करते हैं डोर को ओपन करने का या फिर क्लोज करने का, तो ये डोर अपने आप ओपन एंड क्लोज होता है, जो कि एक अपने आप में मजेदार बात रहेगी। लेकिन इस डोर में सबसे अच्छी बात ये रहती है कि ये अपने आप ओपन एंड क्लोज नहीं होते, यानी कि जब आप चाहेंगे ये डोर तभी ओपन होंगे, यानी कि इसके मोशन सेंसर में आपको फॉल्स डिटेक्शन नहीं मिलेगा। और इसमें सेफ्टी को लेकर भी कुछ फीचर्स रहते हैं, जैसे कि ये डोर अचानक बंद हो रहा है और आपका हाथ बीच में आता है तो ये डोर को बंद नहीं होने देता और फिर से एक बार डोर ओपन हो जाएगा। तो ये एक कमाल का फीचर मिल जाता है आपको इस डोर में, जो कि कहीं न कहीं इसे काफी सेफ भी बना देता है और ये लंबे समय तक आपके घर में आसानी से काम करेगा। नंबर 4, Acer Chromebook Tab 510। अगर आप ऑनलाइन स्टडी या फिर अपने प्रोफेशनल कामों के लिए एक ऐसी बड़ी डिस्प्ले वाला टैबलेट चाहते हैं जिसका इस्तेमाल आप आसानी से कर सकें, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन चॉइस हो सकती है। इसकी खास बात ये रहती है कि यहाँ पर आपको बड़ी डिस्प्ले होने के साथ साथ एक स्टाइलस पेन और एक कीबोर्ड का भी सेटअप मिल जाता है, जिससे कि आप इसका इस्तेमाल न सिर्फ एक टैब के तौर पर कर पाएंगे बल्कि ये आपके लिए छोटे से मिनी लैपटॉप के तौर पर भी इस्तेमाल होगा। इसका इस्तेमाल करके आप काफी सारे प्रोफेशनल काम कर सकते हैं। ये टैब क्रोमबुक ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड होता है, जिससे कि एंड्रॉइड फोन्स के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी भी बहुत जबरदस्त रहेगी। इसमें 8 मेगापिक्सल का पावरफुल कैमरा मिल जाता है, जिसका इस्तेमाल आप ऑनलाइन मीटिंग्स और वीडियो कॉल्स वगैरह के लिए कर सकते हैं। साथ ही स्लिम डिजाइन होने की वजह से इसे इस्तेमाल करने का अपना एक अलग ही मजा होगा। तो अगर आप भी चाहते हैं Acer का एक ऐसा टैबलेट लेना जो कि आपके लिए मल्टीपर्पज तौर पर काम करे, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को। नंबर 3, Ginkgo स्मार्ट लाइट बुक। अब जो गैजेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो आपको यकीनन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाला है। बात अगर किसी डायरी की हो तो उसका शेप तो आपको पता होगा, लेकिन अब जो मैं डायरी आपको दिखाने वाला हूँ उसका शेप तो ठीक वैसा ही रहता है, लेकिन उसके अंदर आपको पेजेस नहीं बल्कि एक छोटी सी लैंप मिल जाती है। जी दोस्तों, अगर आप अपने घर में सजाने के लिए एक ऐसी लैंप चाहते हैं जो कि देखने में अट्रैक्टिव भी लगे और पोर्टेबल भी हो, तो इस तरीके की लैंप काफी कमाल की रहेगी, जिसके पेजेस को ओपन करते ही आपको एक कमाल की लैंप मिल जाती है। वहीं दोस्तों, इसे आप एक छोटी सी टॉर्च के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे अपने ट्रैवल वगैरह में साथ ले जा सकते हैं। साइज में छोटी होने की वजह से आप इसे फोल्ड करके कहीं भी ले जा पाएंगे और लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि ये एक डायरी है या फिर एक छोटी सी लैंप, यानी कि काफी यूनिक स्टाइल रहता है इस लैंप का, जो कि देखने में भी बहुत अट्रैक्टिव रहती है। तो अगर आप इसे किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं या फिर अपने पर्सनल यूज में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो दोनों ही जगह ये सुपर हिट रहने वाली है। नंबर 2, एनजीवी X26 ई बाइक। इंडिया के अंदर ई बाइक्स काफी तेजी से पॉपुलर हो रही हैं, और अगर आप भी मूड बना रहे हैं एक ऐसी ई बाइक का लेने का जिसका इस्तेमाल आप आसपास आने जाने के लिए कहीं पर भी कर सकें, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की साइकिल को। एल्युमिनियम फ्रेम बेस्ड ये एक तरीके की फोल्डेबल ई बाइक होती है, जहां पर डुअल बैटरी सिस्टम दे रखा होता है जो कि 1000 वाट का पावर आउटपुट देता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 31 माइल्स पर आवर की होती है, और सिंगल चार्ज पर आप इसे 62 माइल्स तक की रेंज पर भी कहीं भी ले जा सकते हैं। इसे कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि इसे किसी भी तरीके की रोड्स पर आसानी से चलाया जा सकेगा, यानी कि सीधी सपाट रोड हो या फिर उबड़ खाबड़ रास्ते, ये हर जगह आसानी से परफॉर्मेंस दे पाएगी। नंबर 1, क्वेयर प्लाज्मा गो एयर प्योरीफायर। सिटीज में आजकल एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी तेजी से खराब होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से लोग आजकल घरों में एयर प्यूरिफायर्स का इस्तेमाल करने लगे हैं। तो अगर आप भी किसी ऐसे ही शहर में रहते हैं जहां की हवा बहुत ज्यादा खराब हो, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के छोटे से पोर्टेबल एयर प्यूरिफायर को। ये एयर प्यूरिफायर साइज में बेहद छोटा होता है, लेकिन छोटा होने के बावजूद भी इसमें मल्टीपल फिल्टर्स लगे होते हैं, जो कि आपकी एयर को 99.99% तक साफ कर देते हैं। और यही नहीं दोस्तों, साइज में छोटा होने की वजह से आप इसे कहीं भी पोर्टेबिलिटी के साथ ले जा सकते हैं, जिसका इस्तेमाल आप अपने बेडरूम के साथ साथ अपनी कार में भी कर सकते हैं। ये एयर से बैक्टीरिया वगैरह को फिल्टर करता है, जिसके बाद आपको मिल जाती है एकदम साफ हवा। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये छोटा सा एयर प्यूरिफायर कैसा लगा। वहीं इस वीडियो सीरीज का सबसे बेहतरीन गैजेट आपके हिसाब से कौन सा रहा है, ये बात भी आप हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट को अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर उसकी प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।